ओ भाई साहब हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग एंड तक देखना। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही डिलीशियस समर स्पेशल रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करके जाना गाइस। और चैनल पर अगर और भी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं, प्रोडक्टिव कैसे जाता है मेरा दिन, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और भी मज़ेदार व्लॉग आने वाला है। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं बहुत ही हेल्दी सा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इडली। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट में इडली बनाया था, तो ये बैटर जो है ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया था, बट ये अच्छे से फर्मेंट नहीं हुआ था, बट मैंने मिक्स कर करके अच्छा ये भी बना लिया था इसको, क्योंकि जितना आप मिक्स करोगे ना इसमें ऐसे बबल आने लगते हैं। तो ये उड़द दाल और राइस का जो बैटर मैंने रेडी किया था कल ही, और अभी मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ी देर पहले जस्ट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रेट करके कैरेट्स एंड बीटरूट डाला है, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना हल्का फुल्का, वो डाला है, क्योंकि इसके साथ चटनी भी बनेगा। तो दो तरह का आज मैं इडली शेयर करूँगी, तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा एंड तक देखना। आई एम श्योर आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलने वाला है। तो मैंने इससे भी बहुत ही डिफरेंट तरीके के कई बार रेसिपीज़ और इडली भी शेयर किया है, तो आप ज़रूर देखना। और यहाँ पर मैंने इनो डाल दिया था, क्योंकि इनो हमें लास्ट में बिल्कुल डालना होता है जब हमें इसको स्टीम करना होता है। और इस तरीके से मैंने सभी में भर लिए और इसको हम बस कर लेंगे स्टीम। और प्लीज़ गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार का होता है। और आज का व्लॉग संडे का व्लॉग होने वाला है, तो नीरव आज कोचिंग भी जाएगा अपने, तो और बहुत सारे रेसिपीज़ भी बनाने वाली हूँ। पूरे दिन बहुत ही प्रोडक्टिव था, तो प्लीज़ पूरा देखना आप लोग। एंड यहाँ पर मैंने स्टीम कर लिया, तो पहले मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। चलो कम इसको देखो जाने के लिए, देखो शूज़ भी पहन लिया जाने के लिए, देखो पैंट देखो ना उल्टा पहना जी पैंट ही उल्टा पहना नहीं जाना आपको भैया का तो क्लास है बेटा। चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो अच्छा तो आपने जैसा कि देखा ही होगा तो किस तरीके से ध्यान शुरू हो रहा था, और मतलब जब उसका भैया और डैडी गए ना तो आधे घंटे तक वो रोता ही रहा, जैसे तैसे उसे चुप कराया। उसके बाद मैं यहाँ पर चटनी बनाने आ गई, क्योंकि चटनी नहीं बना था। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ले लिया है, ग्रीन चिली ले लिया, एंड थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया था सरसों तेल में पीनट, उसको भी डाल दिया, एंड सॉल्ट डालकर थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, बाद में तड़का भी दे दूँगी मैं, बट ध्यान को क्योंकि भूख लगी थी तो मैंने उसको बिना तड़के का ही चटनी ऐसे दे दी। तो वैसे भी थोड़ा तड़के वाला स्पाइसी हो जाता है, तो उसके लिए मैं अलग से ही तड़का देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा हेल्दी सा इडली जो है वो रेडी हो गया है, और मैं अपने लिए तड़का डाल के खाऊंगी। और यहाँ देखो ध्यानश इतना इन्जॉय किया ना, नीरव तो हल्का फुल्का खाकर ब्रेकफास्ट गया था, उसे बहुत जल्दी कोचिंग जाना था, तो हमारे घर से थोड़ा दूर भी है काफ़ी, तो इस वजह से उसको मैंने जल्दी से खिला कर भेज दिया। और ये रहा मेरा तड़के वाला, तो मैं अपना तड़के के बिना भाई नहीं खा सकती हूँ। एंड यहाँ पर ध्यानश देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फिनिश किया था अपना इडली। तो ध्यानश मुझे फिर से मांगा, मतलब उसने बार बार मांग रहा था मम्मा और चाहिए मम्मा और चाहिए, तो उसे इडली इतना ज़्यादा पसंद है ना, और डोसा डोसा भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से खाता है, बट नीरव उतना ज़्यादा तो नहीं पसंद है, बट थोड़ा बहुत मतलब खाता है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं खाएगा, बट ध्यानश को आई डोंट नो बट बहुत ज़्यादा पसंद आता है इडली वगैरह डोसा वगैरह। एंड उसके बाद यहाँ पर घर की हालत देखो, एवरी सिंगल डे ऐसे ही होता है, फिर मैं उसको समेटती रहती हूँ बार बार। मेरा लहंगा है कल ही आ गया है स्टिच, मतलब स्टिच होना बाकी था तो हो चुका है, अभी मैं थक चुकी हूँ, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कभी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना जो यहाँ पर मुझे याद आया कि कुछ मैंने ना मैक्स से टी शर्ट एंड जीन्स लिए थे बच्चों के लिए, तो उनको मैंने अपने लहंगे वाले बैग से निकाल दिया, और ये रहा मेरा लहंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्लीवलेस ज़्यादा अच्छा था या स्लीव डलवाने के बाद, अभी मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं पहले ज़्यादा अच्छा लगा था, स्लीव्स लगाने के बाद लुक थोड़ा अलग सा हो गया है
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं पहन के फिर से एक बार ट्राई करूँगी। बट मैं अभी बहुत थक चुकी थी मतलब, और मतलब पता नहीं कल भी मैंने लहंगा ट्राई किया तो हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी आज ट्राई करने का। और ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए साड़ी लिया था तो वही मैं अभी उसका एक अलग से बैग पैक करूँगी। उसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिया है, तो मेकअप का जैसे कि हमारे में दिया जाता है, पूरे जो गर्ल्स का सामान होता है सब दिया जाता है। और मेकअप का ये बॉक्स भी मैंने इस तरीके से लिया था उसके लिए, चूड़ा वगैरह सब कुछ उसका मैं अलग से रख दूँगी ताकि हमारे सामान के साथ उसका मिक्स ना हो जाए। एंड यहाँ पर मैं फिर उसके बाद कपड़े लगाने आ गई क्योंकि अभी कपड़े बहुत हो गए थे और सारी चीज़ों को मैं ना फटाफट निपटा रही हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, जो लोग ब्लॉग देखते तो उनको पता होगा कि हम लोग जा रहे हैं बिहार और 5 साल बाद जा रही हूँ, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। तो शॉपिंग तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया है ना और बहुत ज़्यादा बजट हिल गया है हमारा बट मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं गाँव। तो उसके बाद मतलब जैसे ही हस्बैंड आए, थोड़ा बहुत उधर से कोचिंग छोड़ के मतलब नीरव को, तो वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ काम कर लिया। उसके बाद अभी हमें फिर से पिकअप करने जाना है उसको, नीरव को, तो पिक करने जा रहे हैं मैं और ध्यांश भी। और हम लोग अभी नहाए नहीं है, मैं नहाई नहीं हूँ, ऐसे ही जा रही हूँ, ऐसे कभी बिना नहाए अच्छा जाती नहीं, बट मेरे हस्बैंड अच्छा ने बोल दिया। फिनिश किया पूरा पानी, क्या कह रहा खरीदा हूँ, ये भी लगाएंगे, कर्टन लिया है पीछे। भूख लगी है, घर पे खा लेना ठीक है। तो बस हम लोग चले गए फटाफट से, मैं मतलब नहाई नहीं थी बट हस्बैंड ने बोला चलो अभी चल लेते हैं, उनका मतलब उनको लग रहा था काफ़ी दूर है तो मैं भी चलूँ तो अच्छा लगेगा उन्हें, तो इसीलिए मैं भी चली गई। फिर आने के बाद हम लोग नहाए सब लोग। तो भाई साहब लत लत सा दिख गया। तो फिर आने के बाद मतलब मैं नहीं नहाई थी और ध्यांश, बट नीरव नहा के गया था मॉर्निंग में ही, और नीरव के डैडी दोनों लोग नहा लिए थे। उसके बाद जैसे ही नीरव आया तो जैसा कि मैंने बताया था ब्रेकफास्ट थोड़ा कम करके गया था, तो आते आते उसे काफ़ी टाइम लग गई थी और आते आते देख सकते हो उसने टावल लपेटा है, आते आते उससे इतनी तेज़ चोट भी लग गई है नीज़ में, तो दौड़ रहा था, दोनों भाई दौड़ रहे थे तो उसे बहुत तेज़ चोट आई थी। तो इस तरीके से उसने पैंट खोल लिया था, अभी उसको थोड़ा बहुत मैंने दवाई वगैरह लगा दिया। एंड उसके बाद मैं अपना कुकिंग करने आ गई, एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा मस्टर्ड ऑयल में ना जीरा डाल दिया है, नहीं जीरा नहीं राई डाल दिया। और उसके बाद मैंने खड़े मतलब जो भी जैसे ड्राई चिली हो गए, नॉर्मल मसाले हो गए अनियन डालने के बाद, वो डाल दिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के डिमांड पर टमाटर वाली इडली, टमाटर फ्राई वाली इडली। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े टमाटर आज कम थे तो मैंने एक ही टमाटर डाले, अदरवाइज़ इसमें थोड़े टमाटर ज़्यादा पड़ता है। एंड देन थोड़ा मैंने क्योंकि ऑयल बहुत कम डाला था तो मैंने घी भी डाल दिया, तड़का है तो तड़के में घी का फ्लेवर एक अलग ही होता है। तो इसमें आप तड़के में राई ज़रूर डालना और कढ़ी पत्ता, तो मेरे पास कढ़ी पत्ता आपने देखा होगा अभी जस्ट लेकर आई। तो वहाँ से आने के बाद हस्बैंड का मन था, क्योंकि वो भी हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट करके गए थे तो इडली खाने का उनका दोबारा मन था। कैसा है ये आइडिया, सब कहाँ से आता है? ये एक होम मेकर को आइडिया आते रहते हैं। नो डाउट, बहुत जबरदस्त बनाया ये तो। ठीक है, अभी तक इडली और चटनी खाया होगा लेकिन टमाटर आज फुल स्पीड, चीकू स्पीड बढ़ाओ स्पीड, अभी चीकू स्लो हो गया, थक गया है। ओ ले ले, जैसा कि आप लोग वेदर देख सकते हो कितना ज़्यादा आंधी तूफान आया था, बहुत ज़्यादा। हम लोग पार्क के लिए निकल गए थे, जैसे कि डेली जाते हैं हम लोग बच्चों को लेकर, तो मैं आधे रास्ते चली गई थी तो फिर देखा कि बहुत ज़्यादा अचानक से आंधी तूफान आने लगा और मेरी आंखों में इतना धूल चला गया, बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लगा। मुझे ऐसा डर लगा था क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं ना, वो ना गिर जाए, तो इस वजह से मैं बहुत डर गई और मैं घर आ गई वापस। तो आने के बाद फिर मैंने बच्चों को इवनिंग में थोड़ा बहुत पढ़ाया,
और उसके बाद मैंने हस्बैंड को बोल दिया अब तुम देखो संभालो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिन में शूट नहीं किया कुकिंग का, तो अभी मुझे करना ही है कि मैं डिनर में क्या बना रही हूँ। तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने फटाफट से बना दिया कुछ भी, और बहुत ही सिंपल सा बनाया था दिन में, तो ज़्यादा मैंने वो शूट नहीं किया। मैंने कहा ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, अगर शूट करने बैठूँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो मैंने मस्टर्ड ऑयल में जीरा और जो रेड चिली होती है वो डाल दिया, और उसके बाद क्रैकर हो गए, तो हमें इसमें अनियन डाल देना है एंड कसूरी मेथी डाल दिया। अनियन डालने के थोड़ी देर बाद ही मैंने यहाँ पर लौकी डाल दिया है, तो लौकी का बहुत ही सिंपल सा बहुत ही टेस्टी समर स्पेशल एक सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से गल जाए इसलिए मैंने सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं ना, बस वही थोड़े थोड़े वो भी डालना है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्के हल्के मसाला इसमें जाता है, बहुत हल्का। और बस उसको पकने के लिए छोड़ देना है आपको, लौकी को ज़्यादा कुछ बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ जब तक सब्जी लौकी पक रहा है, तो मैंने यहाँ गोभी का ढाबा स्टाइल सब्जी बनाना चाहती थी, तो वो मैंने कट कर लिया। एंड देन यहाँ लौकी की सब्जी में थोड़ा पानी डालकर हमें इसको बिल्कुल मैश होने तक पकाना है, अच्छे से मैश हो जाए बिल्कुल। और दूसरी तरफ फिर से मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें सरसों तेल डाल दिया एंड ऑयल ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैंने ना आलू को फ्राई कर लिया। आलू को फ्राई के साथ साथ मैंने गोभी भी डाल दी है, तो आलू गोभी को दोनों हमें बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके भून लेना है, ये बहुत ज़रूरी है ढाबा स्टाइल गोभी बनाने के लिए, गोभी आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पर जब मेरा सब्जी बन गया था, गैस बंद करने वाली थी, तो मैंने यहाँ पर कोकोनट जो है वो ग्रेट करके डाल दिया है, बिल्कुल फ़ाइन कोकोनट ग्रेट करके डालना है, और सब्ज़ी का टेक्स्चर और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया। तो आप ऐसे एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही सिंपल होता है बट अच्छा लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक मसाला रेडी कर ले, गार्लिक जिंजर का मतलब पेस्ट बना रही हूँ। गार्लिक जिंजर डाल देंगे, क्लोव और ब्लैक पेपर, थोड़े से ग्रीन चिली डाल दिए, इसको हमें क्रश करना है सब्जी के लिए। तो जब हमारा गोभी एंड आलू जो फ्राई हो गया तो निकाल लेंगे, बहुत ही मतलब सिंपल वे में बना रही हूँ मैं। हालाँकि इसको थोड़ा हमें स्टीम करना था गोभी को और आलू को, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो फटाफट से मैंने फ्राई ही कर लिया। एंड देन हमें सेम ऑयल में, जबकि ऑयल देख सकते हो बहुत कम है, तो जीरा डाल लिया एंड हमने अनियन डाल दिया। अनियन थोड़ा सा भून जाएगा, तो जो बेसिक मसाले होते हैं ना उसको आप डाल लेना, थोड़ा सा मैंने और भी टेस्ट आए तो इसके लिए मैंने जो किचन किंग होता है ना मसाला वो डाला, देख सकते हो ये किचन किंग मसाला डाला है, इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो उसको भी हम भून लेंगे, आप अभी भी देख सकते हो ऑयल बिल्कुल कम है, ज़्यादा ऑयल, हालांकि जो ढाबा स्टाइल गोभी आलू की सब्ज़ी होती है थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है, बट मैंने कम ही ऑयल में कोशिश किया बनाने का। और बस उसको भूनते रहता है, टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से भूनते रहना है। एंड जब तक दूसरी तरफ यहाँ पर हस्बैंड जो है नीरव को एबेकस क्लास का जो होमवर्क होता है ना, वो भी उसका एक एक्स्ट्रा होमवर्क हो जाता है, तो उसको करना ही पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ मैं सब्जी में टमाटर डाल दी हूँ और इसको अच्छे से हमें, तो टमाटर को अच्छे से हमें भून लेना है, बिल्कुल मैश हो जाए। और पानी डाल देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी से ये प्रोसेस हमारा हो जाता है। और थोड़ा सा भून जाने के बाद मैंने सोचा कि गोभी को भी मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि गोभी हमें स्टीम चाहिए था और आलू, बट स्टीम नहीं है, तो मैंने सोचा कि टमाटर के साथ ये भुनता भी रहेगा और अच्छे से एंड पक भी जाएगा। तो मैं वही बार बार चला रही हूँ एंड जब देख सकते हो भुन गया, तो थोड़ा सा अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी बहुत भर के नहीं डालना है, बट हाँ जितना सब्जी है उतना थोड़ा उसके लेवल तक आ जाए इतना पानी डाल देना है, एक ग्लास से कम ही पानी आएगा और आपका आराम से सब्जी पक जाएगा। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर दाल में सिंपल सा तड़का दिया है, कड़ी पत्ता और प्याज वगैरह डाल के, जीरा एंड चिली वगैरह डाल के सिंपल सा, टमाटर वगैरह से तड़का मेरा मन था, फिर मैंने कहा लेट हो जाएगा तो इस वजह से मैंने इसी तरीके से बना लिया है। और बस अब खाना बारी है सर्व करने की, और बहुत ही डिलीशियस लग रहा था खाना गाइस। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं बनाया, आप ज़रूर बनाना, समर स्पेशल फिर कंप्लीट नहीं होगा, छाछ जो है वो ज़रूर बनाना, मतलब मेरे बच्चों को तो बटर मिल्क इतना पसंद है, तो मुझे बाद में याद आया जब हम लोग खाने बैठ गए ना। तो नीरा हमें रिव्यू देगा खाना, नीरा को कैसा लगा? ओके मेरे बेबी, याम 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 याम। तो बस जब हम लोग खाने बैठे ना, तब याद आया कि अरे बटर मिल्क नहीं बनाए थे, तो फिर मैंने बनाया। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का छोटा सा व्लॉग।